हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस फॉर टुमारो। तो आज हमने अच्छे खासे वोलेटिलिटी देखी बैंक निफ्टी में। लगभग हम 1000 पॉइंट के रेंज में घूमे और नीचे के लेवल से अच्छी खासी रिकवरी और शॉर्ट कवरिंग भी देखी, मगर लास्ट में बैंक निफ्टी बंद हुए लगभग 306 पॉइंट लॉस के साथ। लगभग 1% नीचे 37,350 पे हम बंद हुए हैं। यहाँ हमने दोनों तरफ के मुंह आते हुए देखे, नीचे का भी लेवल देखा, ऊपर के भी लेवल शॉर्ट कवरिंग में देखिए। तो अभी देखते हैं कि अब अगला ट्रेड क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं वीकली चार्ट एनालिसिस से। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी जो है तो इस वीक के लिए ट्रेड कर रहा है लगभग 250 पॉइंट नीचे, लगभग 0.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ जो है हम दोनों तरफ के ट्रेड देख चुके हैं बैंक निफ्टी में। जो वीकली चार्ट पे भी जो पिक्चर है वो बैंक निफ्टी के लिए इतना अच्छा नहीं है। यहाँ करेक्टिव फेज में चल रहे हैं हम, और यहाँ जो है तो डीपर करेक्शन आ सकता है जो बैंक निफ्टी को लेकर जा सकता है 35,800 से लेकर 35,200 के लेवल की तरफ। तो बैंक निफ्टी एज पर वीकली चार्ट सेल रहेगा, सेल ऑन राइज विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि आज जो है तो हमने अच्छे खासे रिकवरी की नीचे के लेवल से। आज का जो लो था वो था लगभग 36,900 और हाई था लगभग 37,630। तो लगभग हम 700-750 पॉइंट का रेंज देख चुके हैं और नीचे के लेवल से बैंक निफ्टी अच्छा खासा रिकवरी दे चुका है। एज कम्पेयर टू निफ्टी हम जो है तो थोड़ा सा वीक लग रहे थे और बैंक निफ्टी में उतनी रिकवरी नहीं आई, मगर जो नीचे के लेवल से जो शॉर्ट कवरिंग आई है ये इसमें मोस्टली शॉर्ट कवरिंग है, इसमें बाइंग कुछ भी नहीं है। और डेली चार्ट पे अभी भी बैंक निफ्टी जो है तो वीक ही लग रहा है। यहाँ सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए। हो सकता है कि हमें ऊपर के लेवल देखने को मिले तो ऊपर के लेवल हमें बेचने के लिए ही यूज करना है विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो 37,925 का लेवल है, उस लेवल के अराउंड अगर बैंक निफ्टी मिलता है तो आपको सेल करके जाना है। कल के लिए जो ट्रेड रहेगा मेरा तो बैंक निफ्टी सेल करना है 37,750 से लेकर 950 के बीच में। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 38,200 का रहेगा। तो 200-300 क्योंकि वोलेटिलिटी ज़्यादा है। आप देख सकते हो कि विक्स जो है तो लगभग 27 पे जा चुका है, तो वोलेटिलिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, इसलिए डीपर स्टॉप लॉस रखने पड़ेंगे। तो आपको बैंक निफ्टी सेल करना है 37,750 से लेकर 950 के बीच में। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 38,200 और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी जो है तो फिर से नीचे के लेवल दिखा सकता है, जो फिर से जो है तो नीचे की जो लो थे वो हम टच कर सकते हैं। तो यहाँ नीचे के लेवल पे जो टारगेट रहेंगे वो फिर से 36,900 और उसके बाद में 36,300 की टारगेट के लिए आप सेल करके चल सकते हो। या सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी रहेगी एज पर डेली चार्ट। आवरली चार्ट पे देखते हैं। तो आवरली चार्ट पे आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी जो है तो आज जो गैप के साथ खुला था गैप डाउन वो उसने पूरा लगभग फिलअप कर दिया है और ऊपर के लेवल पे हम फिर से जो है तो रेजिस्टेंस देख रहे हैं बैंक निफ्टी में। यहाँ जो है तो ऊपर के लेवल पे जैसे मैंने कहा डेली चार्ट पे जो है तो बिगर लेवल है, आवरली चार्ट पे जो मल्टीपल रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको तो वो रेजिस्टेंस है 37,600, उसके बाद में 750 और उसके बाद में फिर से 37,900 के। तो यहाँ मल्टीपल रेजिस्टेंस है और यहाँ जो है तो आपको बेचने की सोचनी है। अगर 900 पे मिलता है तो वो अच्छा खासा ट्रेड बनेगा, वहाँ रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा बैठेगा। वहाँ जो ट्रेड बनता है तो 900 के अराउंड आपको बेचना है 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो 38,200 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो वहाँ सिर्फ 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और जो टारगेट बनेगा वो बनेगी आपके फिर से 36,900 से लेकर। मल्टीपल टारगेट है क्योंकि नीचे जो है तो मल्टीपल सपोर्ट है, तो 900, 600 और 300 जो हमने डेली चार्ट पे देखा। तो इसका जो मेन टारगेट रहेगा वो रहेगा 36,300 का, ये फाइनल स्विंग टारगेट रहेगा। तो अगर आपको 900 के अराउंड मिलता है बैंक निफ्टी तो यहाँ जो है तो हम बेचने की ही कोशिश करेंगे। और एज कम्पेयर टू निफ्टी चार्ट, बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा ख़राब लग रहा है और यहाँ जो है तो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आ सकता है। ऐसा जो चार्ट पे जो प्राइस पैटर्न है वो बहुत ही बेरिश है एज कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी में तो भी थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है क्योंकि निफ्टी को आईटी और बाकी के स्टॉक सपोर्ट कर रहे हैं, मगर बैंक निफ्टी जो है तो बहुत ही ख़राब दिख रहा है। और अगर 900-800 के लेवल पे हमें मिलता है तो हम शॉर्ट जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो ऑप्शन ट्रेडर है उन्हें इन द मनी पुट लेकर चलना है, तो आपको 37,800 या 900 का पुट लेकर चलना है। स्टॉप लॉस सेम रहेगा 38,200 का, अगर उस पर फ्यूचर आता है उस लेवल पर तो उस ऑप्शन में जो भी लॉस होगा आपको वो लेकर निकल जाना पड़ेगा।
अगर ये बैंक निफ्टी जो है तो 36,300 पे जाता है और ये थर्सडे तक जाता है, तो आपको जो है तो अच्छा खासा वो उसमें लगभग 2x to 3x मुनाफा देखने को मिल सकता है। या फिर जो है तो अगले सीरीज का आपको अगर खरीदना है तो आपको 37,000 का पुट ऑप्शन जो है तो डिप्स पे खरीदना है, जब बैंक निफ्टी फ्यूचर 900 के अराउंड रहे तब उस पुट ऑप्शन में आपको एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस सेम रहेगा 38,200 का, और वहाँ जो है तो अगर बैंक निफ्टी 36,300 पे जाता है तो उस ऑप्शन में हमें लगभग 2x गेन देखने को मिल सकते हैं। तो यह आवरली चार्ट पे, डेली चार्ट पे बहुत खराब दिख रहा है बैंक निफ्टी, और यहाँ हम सेलिंग का ही स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, सेल ऑन राइज विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो आई होप सो कि ये जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।